घर में तो फिर पहले किचन देखते हैं और फिर बाकी पूरा घर देखेंगे। तो ये है हमारा किचन, साइज काफी बड़ा है किचन का। हमारे पास अब साइज फ्रिज है, काफी कैबिनेट्स किचन की है, हमारे पास पैंट्री भी है, हमारे पास डाइनिंग टेबल है 4 बंदों का और 4 बर्नर स्टोव भी है, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारा सिंक जहाँ बर्तन धोते हैं। तो हमारे पास 2 बालकनीज है फ्रेंड, एक बैक बालकनी और एक फ्रंट बालकनी। तो पहले हम बैक बालकनी देखते हैं, फिर हम आपको फ्रंट बालकनी दिखाएंगे। तो जैसे कि ये हमारी बैक बालकनी है, पूरा पैनोरोमा व्यू आ रहा है आपको लेक का। और माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड है काफ़ी, बादल भी अच्छे हैं। और हमने कुछ पौधे रखे हुए हैं, ग्रीन चिलीज रखी हुई है, मिंट रखा हुआ है, एलोवेरा रखी हुई है और कैप्सिकम है और ये जुकीनी का सीड्स है इसके अंदर। तो ये हमारा छोटा सा किचन, ये हम जैसे तैयार की है वॉल, पोस्टर वॉल, ये सारी DIY है, देसी और इंग्लिश का फ्यूजन है इसमें। जैसे कि तेरे मुंह में घी शक्कर, द डिशेज आर लुकिंग एट मी डर्टी अगेन, तो काफ़ी कुछ पोस्टर्स हमने सारे खुद घर में बनाए। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स दिखाऊंगी अपना टॉयलेट और टॉयलेट के बाद हम देखेंगे मेरा बेडरूम। तो ये हमारा टॉयलेट, बेसिक टॉयलेट है, एक टॉयलेट सीट, बाथ, सिंक और लॉन्ड्री। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बेडरूम। तो ये मेरा बेडरूम मैंने खुद डेकोरेट किया है, मैंने अपनी वॉल भी खुद पेंट की है। शुमाइम आपको भी दिखाएगी मेरी वॉल पेंट सारी। ये मैंने खाली 2 चीजें यूज की हैं इसमें, ग्लासेस और पेंट बस। और ये मैंने खुद अपनी पेंटिंग बनाई है, आपको घर में नजर आएंगी मुख्तलिफ जगहों पे पेंटिंग्स, हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, क्योंकि इट्स इकोनॉमिकल और खूबसूरत और आपको क्वांटिटी में कुछ करने का नहीं था। यहाँ मैंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई है, बर्थडे पोस्टर है, ये पेडेस्टल फैन है। जैसे कि आपको पता है कि टर्की और साइप्रस में सीलिंग फैंस का कहीं रुझान नहीं है, तो हमें भी पेडेस्टल फैन खरीदना पड़ा। और एसी खाली इसी कमरे में अवेलेबल है, बाकी 2 बेडरूम्स में एसी भी नहीं है। तो और जैसे कि शुमाई में आपको दिखा सकती है कि हमारे पास कैबिनेट स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसको जैसे पंजाबी में कहते हैं छतियाँ भी बनी हुई हैं, जहाँ आप अपने सूटकेस ढेरियाँ बना के रख सकते हैं। डबल कबर्ड्स हैं दोनों तरफ, ये दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, ये भी एक। और ये हमारा छोटा सा स्टडी टेबल है और ड्रेसिंग टेबल को तौर पे हम यूज करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारे हुक्स लगे हुए हैं सर्दियों में जैकेट्स और जॉगिंग वगैरह टांगने के लिए। ये हमारा शू रैक है, जहाँ हम शू रैक, क्या होता है शू रैक, शू रैक, ठीक है। और ये हमारा लॉन्ग मिरर, जहाँ सब हुसन देवियाँ आके तैयार होती। तो ये हमारी छोटी सी है पैसेज, जिसको हम कॉरिडोर भी कह सकते हैं, राहदारी भी कह सकते हैं, जिसमें हमने अपना कारपेट बिछाया हुआ है। अभी ये प्लेन है वॉल्स, इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि आगे कुछ क्या करने का। और यहाँ तक मैंने आपको दिखाया, आगे आपको शुमार दिखाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स शेम ऑन द स्क्रीन नाउ। और एज यू प्रोमिस वी गोना कंटिन्यू आवर हाउस टूर। उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे, सो आई विल गेट स्टार्टेड।
पहली चीज दैट आई एम गोना गेट स्टार्टेड विद इज आवर मीटर. यहाँ पे बिजली का मीटर सिस्टम होता है. यू गेट अ कार्ड, आप इसमें जाके पैसे भरवा के आते हो. यू पुट द कार्ड इन, आपको यूनिट्स मिलते हैं और यस आप देख सकते हो कि कब बिजली खत्म हो रही है, क्या सीन है, व्हिच आई थिंक इज वेरी प्रैक्टिकल. तो गोइंग थ्रू द कॉरिडोर वी कम टू अ रूम हियर. इसका भी अपना एक छोटा सा कॉरिडोर है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हाउस इज के सारे कमरे अलग अलग है. यू नो एवरीबडी गेट्स देयर ओन प्राइवेसी, एवरीबडी गेट्स देयर ओन स्पेस, के ऐसे लगता है कमरे के ऊपर कमरा चढ़ा हुआ है. तो कमिंग इनटू दिस रूम, ये रूम हमारी हाउसमेट का है जो करंटली घर पे नहीं है. कमल, यहाँ पे दो सिंगल बेड्स पड़े हैं और दो डोर अलमारियों के हैं. ओरिजिनली हमने प्लान किया था कि हमें एक और हाउसमेट मिल जाए, विच वुड बी चीपर फॉर अस, बट अभी 4 महीने हुए हैं और हमें कोई मिल नहीं रहा है जो हमारी मेंटालिटी का हो. बट सर्च जारी है, फिलहाल के लिए ये हमारी हाउसमेट का कमरा है. और अब हम चलते हैं टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, विच इज द लिविंग. एज यू कम इनटू द लिविंग रूम, वी आर गोना फर्स्ट टर्न टू दिस वॉल. यहाँ पे हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लंबा मनी प्लांट जा रहा है. दिस इज आवर टीवी ट्रॉली हियर. ये हमने बोहो सा एक ड्रीम कैचर बनाया था घर पे खुद ही. दिस इज माशाल्लाह माशाल्लाह आवर प्लांट्स दैट आर डूइंग वेरी गुड. एज आई सेड, हम दोनों को ग्रीनरी का बहुत शौक है. एंड बेसिकली इफ यू कैन टेल, द थीम ऑफ आवर हाउस इज बोहो, बोहेमियन. तो उसमें ये प्लांट्स और ये सटल कलर्स और वुड बहुत अच्छा लगता है. नाउ वी आर गोना लुक एट आवर सोफा. देयर इज अ सिंगल सोफा, 3-seater सोफा एंड अ डबल सोफा. और इस सोफे के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं ये पेंटिंग्स लगी हैं, जिसमें से ये दो ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स मेरे दोस्त की हैं और ये दो पेंटिंग्स सनिया ने बनाई हैं. दैट गो अमेजिंगली विद द टोन ऑफ दिस हाउस. एंड अगेन अ बिग प्लांट देयर इन द कॉर्नर. सेंटर टेबल के ऊपर हमारे सारे कैक्टसेस एंड सक्यूलेंट्स पड़े हुए हैं इन अ ट्रे. ये हमारा प्यारा सा मैट है. नीचे हमने कारपेट बिछाया हुआ है. एवरीथिंग गोज टुगेदर परफेक्टली. एज स्टूडेंट्स जितना मिनिमलिस्टिक येट सजाया हुआ दिखाने के लिए हम रख सकते थे, हमने रखा है. एंड नाउ बिफोर वी सी द फ्रंट बालकनी, यहाँ पे है मेरा कमरा. सो कमिंग टू माई रूम, एज यू वॉक इन टू माई रूम यू विल नोटिस समथिंग डिफरेंट. आई डू नॉट हैव अ बेड एग्जैक्टली. आई मेड माई ओन बेड. ये क्रेट्स है वुडन, जो शिपमेंट में और इन सारी चीजों में यूज होती है. तो आई फाउंड दीज लाइंग अराउंड अंडर माई बिल्डिंग एंड आई डिसाइडेड टू गेट देम, स्क्रू देम टुगेदर एंड मेक माई सेल्फ अ लो राइज बेड, बिकॉज मुझे लो राइज बेड का बहुत शौक है. एंड एज यू टर्न देयर यू कैन सी देयर आर टू ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स डन बाई माई फ्रेंड. एंड कमरे में दो विंडोज हैं. द मेन रीजन वाई आई वॉन्टेड दिस रूम वॉज दीज टू विंडोज. ये साइड व्यू की है और यहाँ पे मेरा मिरर था जिसके ऊपर आई पेंटेड क्लाउड्स बट इट ब्रोक, सो इट्स फाइन. अगेन वही मेरा पेडेस्ट्रियल फैन पड़ा है यहाँ पे. एंड दिस इज माय फ्रंट विंडो. यू कैन सी द मेन रोड फ्रॉम हियर. अब हम चलते हैं फ्रंट बालकनी की तरफ, व्हिच इज द मेन अट्रैक्शन. And the best part about this house is its ghar ki location. And pehle main aapko bahar dikha do, phir I will explain it to you in a bit how. So
घर की लोकेशन बेस्ट इसलिए है क्योंकि एज यू सॉ द बिल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस इट इज एक्चुअली अ डॉर्मेटरी, मतलब प्राइवेट डॉर्मेटरी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और बिल्कुल इसके ख़त्म होने पे हमारा यूनिवर्सिटी का मेन गेट आ जाता है. तो दिस इज बेरली 5 मिनट्स वॉक टू आवर यूनिवर्सिटी. मेन सलामिस रोड है, पूरी सिटी का जो मेन रोड है उस पर हमारा घर है. उस हिसाब से ये बहुत सस्ता था. एंड वी विल गेट टू द एनालिटिक्स राइट नाउ. तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने हमारा हाउस टूर देखा है, आई होप आपको हमारा घर बहुत पसंद आया होगा. और हमने एज अ स्टूडेंट कोशिश की है कि जितना हम इसको होम लाइक बना सकें हमने फुल अपनी कोशिश की है. और अब आते हैं एनालिटिक्स पे कि क्या रेंट है, क्या बिल्स हैं, क्या सब कुछ, और हमें कितना अफोर्डेबल पड़ता है डॉम से या नहीं. तो हमारा रेंट इस घर का है 25,000 टर्किश लीरा, पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये 2 लाख इसका 10 मंथ्स का रेंट है. हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एज अ स्टूडेंट अपार्टमेंट में होता है 10 मंथ्स का, और फिर अगर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन करना चाहते हो इट्स गोइंग टू बी अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स. तो 2 लाख पाकिस्तानी रुपीस हमारा इसका घर का रेंट है, और तकरीबन 42,000 इसका डिपॉजिट है, तकरीबन 2,000 लीरा डिपॉजिट है इसका जो हमें एंड पे मिल जाएगा इंशाल्लाह अगर घर में कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी. और अब आते हैं हम बिल्स पे. बिल्स हमारे इट इज़ हाँ हमें पता चला कि डॉर्म में रहने वाले और यहाँ रहने में क्या फ़र्क है. बिल्स यहाँ बहुत महंगे आते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है. पर फिर भी अगर इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन कंपेयर टू डॉर्म्स. तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन पाकिस्तानी हमारी आती है, अगर मैं आपको पहले टर्किश लीराज में कहूँ तो 600 टर्किश लीरा हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है. और इसका हाफ कर दें सर्दियों में, तो अगर समझे गर्मियों में हमारी 600 आती है और सर्दियों में हमारी बिल्कुल 300 आती है. तो अगर हम 600 को डिवाइड करें, अगर हम 600 को का एक्सचेंज रेट लगाएं तो ये तकरीबन आती है पाकिस्तानी 13,000 की हमारी बिजली का बिल आता है गर्मियों में, और सर्दियों में उतना ही है समझे हाफ कर लें 7,500 हमारा सर्दियों में बिल आता है. पानी हमारा यहाँ फिक्स है, जितना मर्जी आपने यूज़ करना है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 150 टर्किश लीराज कम पाकिस्तान के पाकिस्तानी तकरीबन 3,000 रुपये. और इंटरनेट भी हमारा फिक्स है 2100 का, विच इज़ टर्किश लीरा इज़ 100 लीराज. गैस भी हमारी 100 लीराज. तो ये चीज़ें फिक्स हैं. तो टोटल हमारे बिल जिसमें से आपको इंटरनेट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, टोटल पाकिस्तानी अगर मैं यहाँ का कन्वर्ट करूँ टर्किश लीरा में तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1000 टर्किश लीराज, और अगर इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट 21,000 पाकिस्तानी रुपीस. तो ये हमारा बिल सारा. तो बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, और आपने हमारी पहली वीडियो को बहुत लाइक्स और व्यूज़ दिए. इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि आगे भी हमारी वीडियो का आप इतना ही प्यार, इतनी ही सपोर्ट और इतनी ही लाइक करेंगे. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस मोर लाइक्स एंड मोर शेयर्स, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को हमारे इस चैनल के लिए बताएं कि स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं साइप्रस में उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो. और अगर आप हमारी पेट इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा पेट है, क्या ब्रीड है उसकी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप 50 लाइक्स ज़रूर दें कि हमें बेसिकली ये लाइक्स हमारी मोटिवेशन है कि हम ये हम आगे वीडियो बनाएं. तो इंशाल्लाह आप हमें 50 लाइक्स दें तो आपको हमारे कुकी इंट्रोडक्शन, नाम तो आपको पता चल गया है, पर कुकी इंट्रोडक्शन मिलेगी और कौन सी ब्रीड है, वो कितने वीक्स की है, सब कुछ. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस सम लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो शमाई बिहाइंड द कैमरा है, तो मेरी और उसकी तरफ से, दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.